Hello students, welcome to another biology lecture on biology mantra with Priya ma'am. So let's get started. For today's topic is cell membrane. Last lecture mein hum logo ne cell theory ke bare mein padha tha. We are starting about the cytology. Cytology mein hum logo ne bahut sare topics ko discuss kar liya tha, like cell membrane ko, sorry, like cell ke jo types hote hain, eukaryotic and prokaryotic cells, unko hum logo ne pad liya tha. Unicellular, multicellular ki study hum logo ne kar li thi. Now moving to the particular cell. Cell ka structure, cell ka function. हर एक स्ट्रक्चर उसका क्या पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन होता है, केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है और उसका पर्टिकुलर फंक्शन क्या होता है. तो हम लोग स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं सेल के आउटर बाउंड्री से, विच इज द सेल मेम्ब्रेन. सेल का अगर मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाऊँ, अगर जब भी हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं सेल का, या फिर आपने प्रीवियस क्लासेस में कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे, लाइक अनियन पील वाला एक एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें हम लोग को सेल देखने को मिलती है. पहली बार वो सेल देखना माइक्रोस्कोप के अंदर, जिसमें केवल एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है. अनियन पील का जब आप स्ट्रक्चर देखते हो तो उसमें जो एक आउटर बाउंड्री दिखती है, दैट वॉज द सेल वॉल. सेल वॉल क्यों है, वो सेल मेम्ब्रेन क्यों नहीं है, बिकॉज वो प्लांट सेल है और प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी आउटर बाउंड्री जो रहती है, दैट इज कॉल्ड द सेल वॉल. तो कोई भी एनिमल सेल, जैसे हम चीक सेल जब देखते हैं तो उसमें जो आउटर बाउंड्री दिखाई देती है, दैट वॉज द सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेल. अब जब कोई भी चीज़ आउटर बाउंड्री है तो वो रेगुलेट करेगी कि कौन सी चीज़ इन होगी और कौन सी चीज़ आउट होगी, इसका रेगुलेशन भी वही करेगी. तो इनिशियली स्टार्ट करते हैं किसने इसकी डिस्कवरी करी और कैसे जाके इसका जो स्ट्रक्चर है वो डिस्कवर हुआ. लाइट माइक्रोस्कोप से प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर क्लियरली विजिबल करना पॉसिबल नहीं है. जैसे ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ हुआ, साइटोलॉजी में एक बहुत बड़ा चेंज आया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी के साथ में ही सेल के जो ऑर्गेनिज्म हैं उनके स्ट्रक्चर्स रिवील होने लगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन को और भी कई सारे नाम मिलते हैं जिनसे आप सुनोगे सेल मेम्ब्रेन को. इट इज़ कॉल्ड द बायो मेम्ब्रेन, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द प्लाज्मा लेयर एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सो इतने सारे नामों से एक वही बाउंड्री की स्टडी हमें करनी है और मोस्ट प्रोबेबली लाइफ भी तभी आई होगी जब कोई सेल जब बनी होगी और उसको कवर करने वाली एक आउटर बाउंड्री जब बनी होगी, तभी उसमें लाइफ का ओरिजिन भी हुआ होगा. लाइफ के ओरिजिन के लिए भी सेल मेम्ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ बात करते हैं कि सबसे पहले इसको डिस्कवर किया. सेल मेम्ब्रेन की जो डिस्कवरी है वो सबसे पहले श्वान ने. इस नाम से तो फैमिलियर हो गया आप लोग, स्लाइडिंग श्वान इनका नाम पड़ा था सेल थ्योरी में. सेल थ्योरी को देने वाले जो दो साइंटिस्ट थे स्लाइडिंग श्वान, उसमें से जो श्वान है, सबसे पहले इन्होंने 1838 में प्लाज्मा मेम्ब्रेन को या सेल मेम्ब्रेन को सबसे पहले देखा था. उसके बाद जो टर्म था वो नेगेटिव और क्रैमर ने सबसे पहले यूज किया. इन्होंने प्रोटोप्लाज्म को सराउंड करने वाली जो आउटर बाउंड्री थी उसके लिए सेल मेम्ब्रेन वाला टर्म यूज किया था. इन्होंने सबसे पहले बताया था कि जो ऊपर से कवर करने वाली आउटर बाउंड्री है वो सेल मेम्ब्रेन है. अब बात करते हैं ये जो स्ट्रक्चर है पर्टिकुलर, बहुत सारे इसके लिए थ्योरीज आती हैं, बहुत सारे थ्योरीज आई, उसमें से बहुत सारी थ्योरीज ऐसी भी रही जिन्हें एक्सेप्ट नहीं किया गया और एक थ्योरी ऐसी भी है जिसको आप आपके सिलेबस में जो बहुत डिटेल में है, विच इज़ द फ्लूड मोजैक मॉडल. तो हम एक एक करके यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और उसके बाद फ्लूड मोजैक मॉडल की बात करेंगे, बट अभी हम बात कर रहे हैं ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन. जब भी हम ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो हम उसको बोलते हैं कि ये लाइन लाइकोप्रोटीन की ये जो मेम्ब्रेन होती है जिसकी थिकनेस 75 इंगस्ट्रॉम होती है, जब उसको इलेक्ट्रॉन
देखा गया तो उसमें दिख रहा था कि ऊपर की तरफ एक डार्कर लेयर है, नीचे की तरफ एक डार्कर लेयर है और बीच में कुछ लाइट स्ट्रक्चर्स हैं। तो इसलिए जो एक मॉडल दिया गया उसको सैंडविच मॉडल नाम दिया गया। सैंडविच में क्या होता है, ऊपर और नीचे ब्रेड रहती है और बीच में डो भरा हुआ रहता है। तो लाइक वाइज वहाँ पर इनिशियली ये सोचा गया था, जबकि ये ट्रू नहीं है, बट इनिशियली ये सोचा गया था कि जो मैम्ब्रेन है उसमें ऊपर की तरफ प्रोटीन स्ट्रक्चर रहता होगा, नीचे की तरफ भी प्रोटीन स्ट्रक्चर रहता होगा और बीच में कुछ लिपिड स्ट्रक्चर रहता होगा। इसकी जो थिकनेस है वो मान ली गई थी कि 20 एंगस्ट्रॉम है, नीचे भी 20 एंगस्ट्रॉम है और बीच में जो लेयर है उसकी 35 एंगस्ट्रॉम। फाइनली इट वुड बी 75 एंगस्ट्रॉम। बट ये केवल एक अजम्पशन था, एक्चुअली में प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे नहीं होती है। इतना रिजिड स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नहीं होता है, बिकॉज अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन इतना रिजिड स्ट्रक्चर होता तो सेल के अंदर और बाहर जो इनकमिंग और आउटगोइंग होती है मॉलिक्यूल्स की, दैट इज नॉट पॉसिबल इफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सच अ रिजिड स्ट्रक्चर। तो बाद में इस जो ये सैंडविच मॉडल था इसको ज़्यादा वाइडली एक्सेप्ट नहीं किया गया। उसके बाद Now I am just giving you an overview of cell membrane. एक एक पर्टिकुलर मॉडल की स्ट्रक्चर एक एक पर्टिकुलर मॉडल की जो स्ट्रक्चर बताया गया था उसकी स्टडी हम लोग फर्दर लेक्चर्स में करेंगे। जस्ट एक माइंड मैप आपका मैं तैयार कर रही हूँ ताकि आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ कुछ समझ में आए। उसके बाद जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया गया उसके अकॉर्डिंग आप जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको एक ओशन की तरह सपोज कर सकते हैं। ओशन जो कि एक फ्लूइड स्ट्रक्चर है, कंटिन्यू फ्लो में रहता है और उसमें कुछ आइस बर्ड्स प्रेजेंट हैं जो फ्लो करके जा सकते हैं। तो सेम होता है जो लाइपोप्रोटीन स्ट्रक्चर रहता है उसमें लिपिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं, बीच बीच में प्रोटीन एम्बेडेड रहते हैं, सरफेस पे एम्बेडेड रहते हैं और वो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्वासी फ्लूइड नेचर के होते हैं। क्वासी का मतलब होता है सेमी फ्लूइड। तो ये सेमी फ्लूइड नेचर के होते हैं, वो जेली लाइक, तो उसमें कोई चीज़ अंदर भी जा सकती है बाहर भी जा सकती है। तो ये तो क्लियर है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है उसमें ये दो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, लाइपोप्रोटीन स्ट्रक्चर भी हम उसको बोल रहे हैं। तो जो इसका स्ट्रक्चर है इट इज कंपोज ऑफ लिपिड प्रोटीन and the last one is carbohydrate और carbohydrates में भी इसमें स्पेशली होते हैं oligosaccharides। carbohydrates में इसमें स्पेशली प्रेजेंट होते हैं oligosaccharides। सो लिपिड और प्रोटीन जो कि इसके मेजर पार्ट्स हैं, लिपिड्स में जो मॉलिक्यूल्स बहुत कॉमन होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, दे आर द फॉस्फोलिपिड्स। और इसी फॉस्फोलिपिड की बायलेयर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। उसके बाद स्फिंगोलिपिड स्फिंगोलिपिड्स कोलेस्ट्रॉल एंड द लास्ट ये स्ट्रक्चरल लिपिड होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर। प्रोटीन की अगर हम बात करें तो प्रोटीन अगर हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अकॉर्डिंग देखेंगे तो जो प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पेरीफेरी पर प्रेजेंट है, मतलब बायो लिपिड लेयर के पेरीफेरी पर प्रेजेंट है उसको बोलते हैं पेरीफेरल। और इसी का नाम दिया जाता है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और दूसरी जो प्रोटीन जो बीच बीच में एम्बेडेड है उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन।
ये डिफ्रेंसिएशन है इसके खुद के स्ट्रक्चर के बेसिस पर. अगर बहुत सारे एक फाइबर जैसा स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, देन इट इज कॉल्ड द फाइबर्स. और अगर एक ग्लोब्यूल जैसा स्ट्रक्चर होता है, मतलब अगर ऐसा स्ट्रक्चर है केमिकल स्ट्रक्चर है वो चेन के फॉर्म में रहेगा, और अगर ये स्ट्रक्चर है देन इट इज कॉल्ड द ग्लोब्यूल. दो डिफ्रेंसिएशन हो गया, एक पोजिशन के बेसिस पर और दूसरा इसके खुद के स्ट्रक्चर के बेसिस पर. ना तीसरा डिफ्रेंसिएशन है कि प्रोटीन जब सेल मेम्ब्रेन के अंदर है तो वो किस फंक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. So on the basis of their function in the cell membrane, proteins are again differentiated into various parts, and these parts are the structural protein. जो lipid के साथ में bilipid membrane के साथ में मिलके structure के formation में participate करेंगे. इसके बाद कुछ receptor protein होती हैं जो molecules को receive करते हैं. So the receptor protein. Yeah.